Hello guys, are we all awake? Had lunch? Now your technical training starts. And आज के बाद आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार I am not a technical person, so I don't know what you are talking about. Because I am going to make sure that you know the smallest thing and the largest thing in this market. So that also is also तुरंत कल तो झिझक मिटा दो अपनी किसी भी टाइप की. मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान. आई एम नॉट अ रोबोट. दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड दिस द सोलर स्कूल. स्कूल इज द प्लेस जहाँ पे फंडामेंटल सिखाए जाते हैं. सो वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट द फंडामेंटल्स ऑफ सोलर इंडस्ट्री आर. Now what do you learn? This is the first session. Solar PV project development phases and quality system overview. You need not note down. You can have this slide. Just note down the main points. Mainly the points. Why we are talking about solar? Why? Because we all know this is a booming market, first of all. Second, this is a requirement. Market कोई भी हो सकती है, trophies की भी अपनी market होती है. Solar की market के बारे में क्यों बात की जा रही है आज के रेट में? एक तो ये boom कर रही है और इसकी requirement है. Trophy की हो सकता है फिर भी requirement ना हो, solar की requirement आ चुकी है. आज हम उस space में आ चुके हैं, being a human community. Or civilization. So this is the reason why there is growth in this market. When something becomes a requirement, then just a commodity, तो उसकी पूरी growth start हो जाती है. I will study about it. This is a very cruel fact. कई बार हमें ये सोचने में मजबूर होना पड़ता है यार काहे की डेवलप हो रहे हैं हम. जब अगर आज भी देश की 60% बिजली कोयले से बनती है तो हम कौन से यार किस टाइप के गधे हैं? हम नॉलेज वाले गधे हैं या हम नॉलेज वाले गधे ना होके हम पैसों की कमी के कारण कोयला यूज किए जा रहे हैं. बट आई डोंट थिंक, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस मार्केट, आई डोंट फील लाइक कि लोगों के पास पैसे नहीं है. और एटलीस्ट इतने भी नहीं है कि वो अपने घर की बिजली बना सके. बिकॉज इट कैन स्टार्ट विथ 20,000, नथिंग एल्स. एंड एवरी होम ओन्स ए इन्वर्टर एंड बैटरी. टेकिंग दिस इनटू कंसीडरेशन, 20,000 इज नथिंग. नाउ व्हाट इज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडियन पावर सेक्टर? दीज आर सम फिगर्स. कन्वेंशनली जो आज तक तरीका यूज होता आया है उसमें क्या था? कन्वेंशनल वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कोयला सबसे ऊपर आता है उसमें. और हमने क्या भैया इतने समझदार हैं हम इंडिया वाले कि जब कोयले की कमी होने लगी ना ऑस्ट्रेलिया ने भी हाथ खड़े कर दिए. और इंडिया के पास तो रिजर्व अपने थे ही नहीं इतने ज़्यादा. अच्छी क्वालिटी कोल हमारे यहाँ पर होता नहीं है. तो हमने क्या शुरू कर दिया, NGT ने ऑर्डर्स दिए. इवन पानीपत थर्मल को ऑर्डर दे रखे हैं कि यू हैव टू शट डाउन. कुछ कुछ दिन जा रहे हैं कि पानीपत थर्मल जो इतना बड़ा नाम होता था कि अपने नॉर्थ में हरियाणा को, यूपी को, दिल्ली को, पंजाब को, हिमाचल को इवन बिजली देता है. ये 9 units होती थी इसमें जो कि अपनी पीक पे अगर चले तो इन सारी स्टेट्स को इकट्ठी बिजली भी दे सकती है.
and National Green Tribunal has given orders to them to shut down. ये आ चुका है समय तो आप एक तो दिमाग में ये पिक्चर बना ही सकते हैं कि सोलर कहाँ पे पिक्चर में आ रहा है जब कुछ जा रहा है तो सोलर उसका सब्स्टिट्यूट है बहुत अच्छा कोयले से जो मेगावाट में बिजली बनती है 186,213 दी आर जस्ट द फिगर्स आई विल शेयर देम विद यू बट जस्ट टू सी दिस एंड दिस इज आवर मार्केट सोलर से देखो कितना है मेगावाट में दिस इज 6.7 गीगावाट अभी जो आज की डेट में है और लेटेस्ट जो है जो मुझे नॉलेज है दिस स्लाइड इज आई थिंक अ बिट ओल्ड फिगर्स आर अ बिट ओल्ड आई तो फिगर्स आर अ बिट ओल्ड 8 गीगावाट हम अचीव कर चुके हैं इंडिया में 2022 तक का टारगेट हमारा 100 गीगावाट का आज 2017 में हम आ चुके हैं ये टारगेट शुरू हुआ था 2010 में JNNSM 10 में शुरू हो चुका था JNNSM उस टाइम पे 20 गीगावाट का टारगेट रखा हुआ था 2022 तक 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने उसको 100 गीगावाट कर दिया आज तक हम कहाँ पहुँचे हैं जो पिछला टारगेट था उसका भी आधा भी हुआ नहीं बाकी गैस से बनता है 24,509 एंड ऑल दैट दिस कंसर्न वी आर ओनली कंसर्न वेयर सोलर इज एंड वेयर जस्ट एम हेलो हाँ पंकज बिजी हूँ वैसे बोलो ठीक है कोई नहीं 5 बजे के बाद फ्री होगा 5 बजे के बाद फ्री होगा हाँ हाँ आप पहले यहाँ राइन सोलर चले जाना डायरेक्टली कनेक्ट द पैनल्स देन कम हियर ढाई सौ के अच्छा 100 वाले चाहिए यार वेट करो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सिंगल बैटरी सिस्टम है क्या ये डबल बैटरी है नहीं फिर 250 के दो लगे ठीक है दिस इज पंकज कुमार फ्रॉम फर्स्ट ट्रेनिंग बैच 500 वाट लेने आया आज इसकी मुलाकात भी कराएंगे आपसे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एंथुजियाज्म ही इज लिविंग एट प्रेजेंट पोस्ट ट्रेनिंग सोलर टारगेट बाय 2022 दिस इज 100 हम इसमें हैं 2017 में हमारा टारगेट है 17 गीगावाट तक पहुंचना लेकिन हम ऑलरेडी मई को क्रॉस करने वाले हैं आधा साल जाने वाला है हमारी कोई अचीवमेंट्स नहीं है ना ही और वो स्पीड क्यों नहीं आ रही है क्वेश्चन आता है माइंड में क्यों नहीं आ रही है आर वी नॉट वर्किंग इन सोलर नो वी आर वी डोंट हैव पीपल वर्क फोर्स बहुत कम है अभी उसका भी चैलेंज दामों क्या है हमारे पास नाउ 100